हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। देखिए फ्रेंड, आज मैं बहुत ही टेस्टी एकदम सुपर टेस्टी लहसुन की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो लहसुन की सब्ज़ी बनाने के लिए देखिए फ्रेंड, मैंने 8-9 लहसुन लिया है। साबुत लहसुन, गोटा लहसुन की सब्ज़ी बनाऊँगी। ये सब्ज़ी एकदम मटन चिकन की तरह बनाऊँगी मैं। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, मैं मसाले रेडी कर लेती हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। तो इसके लिए देखिए, लहसुन लिया है, अदरक लिया है, 1 चम्मच जीरा लिया है, थोड़ी सी काली मिर्च लिया है, 2 हरी मिर्च लिए हैं। और सारे मसाले को हम सिलौट पर पीसेंगे। आप चाहो तो इसको मिक्सर में भी पीस के बना सकते हैं, लेकिन सिलौट पर पीसा हुआ मसाले से बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी लगता है। तो देखिए तो इसको हम उलट पुलट के अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पीस लेते हैं। और मसाले इस तरह से आप रेडी कर लें। तो ये सब्ज़ी रोटी, चावल, पराठा, किसी भी चीज़ के साथ खाएं, ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। तो ये देखिए फ्रेंड, हल्का सा मेरा मसाले जो है वो महीन हो चुका है, तो थोड़ा और महीन कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरा मसाला जो है वो महीन हो चुका है सिलौट पे। तो मसाले मैंने रेडी कर लिया है, तो अब चलते हैं बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मसाले जो है मेरा रेडी हो गया है। तो सबसे पहले हम लहसुन को क्या करेंगे ना फ्रेंड, कि इसको अच्छे से देखिए छील के लिए हैं। और ये सब्ज़ी जब आप बनाएंगे तो देखिए, इसके लिए मैंने एक पतीले में तेल गरम होने के लिए चढ़ा दिया था। तो तेल मेरा गरम हो चुका है, तो अब एक एक करके हम लहसुन को डाल देते हैं और लहसुन को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, जिससे ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। तो देखिए 1-2 मिनट इस तरह से हल्का चलाते हुए, उलट पुलट करते हुए हम देखिए फ्राई कर लिए हैं। तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं फ्रेंड। ये देखिए हल्का जो है 1 से 2 मिनट में हल्का ब्राउन फ्राई हो चुका है। फ्लेम को भी मैंने मीडियम फ्लेम रखा है, मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए एकदम ब्राउन जैसा हो गया है, तो हम इसको निकाल ले रहे हैं प्लेट में। ये देखिए फ्रेंड, मैंने लहसुन को फ्राई करके निकाल लिया है। तो अब हम सेम तेल में हम थोड़ा सा जीरा डाल दिए हैं और 5 फोरन डाल दिए, 2 सूखी मिर्च और थोड़ा सा तेजपात डाल दिए हैं। और साथ में देखिए वो सारे चीज़ चटक चुके हैं, तो हमने 2 बड़े साइज का प्याज को इस तरह से लंबे लंबे काट के लिया है। आप चाहो तो प्याज का पीस के भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से लंबे प्याज की सब्ज़ी आप बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो प्याज को एकदम ब्राउन होने तक देखिए हम फ्राई कर लेते हैं। हल्का ब्राउन हो चुका है, तो थोड़ा सा और फ्राई कर ले रहे हैं। तो प्याज देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो इस तरह से चलाते हुए हम प्याज देखिए मेरा फ्राई हो चुका है, एकदम ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर दे रहे हैं। तो मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, साथ में हम नमक डाल दिए हैं स्वाद अनुसार, और 1 चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है। और साथ में देखिए जो मसाले मैंने पीस के रेडी किया था वो मसाला हम डाल दिए हैं। तो मसाले को डाल के अच्छे से हम चला ले रहे हैं फ्रेंड। तो मसाले को सबसे पहले अच्छे से हम एकदम भून लेते हैं। तो देखिए मसाले को भूनते हुए 1 से 2 मिनट हो गया है, तो मसाले से बहुत अच्छा खुशबू आने लगा है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला डाल दिए हैं फ्रेंड। तो हमने थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है और 2 इलायची डाल दिए हैं। आपके पास जो भी खड़े गरम मसाला हो वो आप डाल सकते हैं। तो देखिए मसाले मेरे अच्छे से भून चुके हैं, तो हम एक बारीक काट के टमाटर डाल दिए हैं और टमाटर को भी मसाले के साथ हम अच्छे से भून ले रहे हैं। तो देखिए टमाटर जो हल्का सॉफ्ट हो गया है और प्याज भी मेरे गल चुके हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा कस्तूरी मेथी क्रश करके डाल दिए हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा एकदम। देखिए प्याज भी मेरे गल गए हैं और तेल छोड़ने लगा है। तो हमने जो लहसुन फ्राई करके रखा था वो लहसुन डाल दे रहे हैं। लहसुन को डाल के उलट पुलट के एकदम अच्छे से चला लेते हैं। इतना
देखिए लहसुन को हम चलाते हुए मसाले के साथ अच्छे से भून लिए हैं। तो एक दो मिनट लहसुन को देखिए इसको मसाले के साथ भून लिए हैं, तो एकदम देखिए मसाले अच्छे से पक चुके हैं। तो ऊपर नीचे हम जिसको चला लेते हैं फ्रेंड, इससे बहुत एकदम अच्छा एकदम खुशबू आ रहा है। देखिए प्याज भी मेरे गल चुके हैं, अब हम इसमें पानी डाल दे रहे हैं, तो ग्रेवी आप अपने अनुसार डाल सकते। तो हम इसको एक चम्मच एक गिलास के करीब हम ग्रेवी डाले हैं, और ग्रेवी डाल के देखिए अच्छे से मिला लिए। तो देखिए कितना अच्छा मेरा कलर आया है सब्जी का एकदम। तो हम इसको ढक देते हैं फ्रेंड, ढक के हम 5-10 मिनट के करीब पका लेते हैं। तो देखिए 10 मिनट के करीब हो चुका है, तो देखिए थोड़ा सा प्याज भी गल चुका है, थोड़ा और हम पका लेते हैं इसको। इस तरह एक बार इसको इस तरह से चला दिए हैं फ्रेंड, चलाते हुए हम इसको पका लेंगे। तो थोड़ा सा कलछन से देखिए कितने अच्छे मेरे लहसुन जो है वो पक चुके हैं। तो आई होप फ्रेंड यदि आप लोगों को ये लहसुन की सब्ज़ी अच्छी लगे तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो देखिए ढक के हम इसको 5-10 मिनट और पका ले रहे हैं। तो पूरे सब्जी को पकाने में करीब करीब 20-25 मिनट के करीब टाइम लग गया है। तो ये देखिए ग्रेवी भी कितना मस्त बना है और लहसुन भी एकदम पक चुका है। तो आई होप आप लोगों को ये सब्जी की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी फ्रेंड। तो ये सब्ज़ी रोटी चावल पराठा किसी भी चीज़ के साथ खाएं, एकदम सुपर टेस्टी सब्जी मेरा बन के रेडी हो गया है। तो देखिए ठंडा होने पर सब्जी का कितना अच्छा कलर आया है।